इस वक्त आलू से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इस साल आलू का उत्पादन पिछले साल से कम रहेगा, जिसकी वजह से आलू की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। आलू के दाम बढ़ने से रोकने के लिए सरकार भूटान से आलू आयात कर सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भूटान के अलावा कुछ और देशों से भी आलू आयात करने पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें, इस साल आलू की पैदावार बहुत अच्छी नहीं हुई है। तेज गर्मी और फफूंदी रोग की वजह से इस बार आलू की पैदावार पर असर पड़ा है। कृषि मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक इस साल आलू का उत्पादन लगभग 58.99 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल आलू का उत्पादन इससे ज्यादा हुआ था और करीब 60.14 मिलियन टन की पैदावार हुई थी। फिलहाल आलू की कीमतें सामान्य बनी है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के बाद आलू के स्टॉक में कमी होने की वजह से कीमतें ज्यादा बढ़ सकती हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार आयात का विचार कर रही है। आपको बता दें, 2022-23 में भूटान, नेपाल और ब्राजील से करीब 8,53,00,000 रुपए से ज्यादा के आलू का आयात किया था, और इस साल भी सरकार भूटान और साथ ही कुछ और देशों से आलू आयात करने पर विचार कर रही है। इस वक्त आलू से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इस साल आलू का उत्पादन पिछले साल से कम रहेगा, जिसकी वजह से आलू की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। आलू के दाम बढ़ने से रोकने के लिए सरकार भूटान से आलू आयात कर सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भूटान के अलावा कुछ और देशों से भी आलू आयात करने पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें, इस साल आलू की पैदावार बहुत अच्छी नहीं हुई है। तेज गर्मी और फफूंदी रोग की वजह से इस बार आलू की पैदावार पर असर पड़ा है। कृषि मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक इस साल आलू का उत्पादन लगभग 58.99 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल आलू का उत्पादन इससे ज्यादा हुआ था और करीब 60.14 मिलियन टन की पैदावार हुई थी। फिलहाल आलू की कीमतें सामान्य बनी है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के बाद आलू के स्टॉक में कमी होने की वजह से कीमतें ज्यादा बढ़ सकती हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार आयात का विचार कर रही है। आपको बता दें, 2022-23 में भूटान, नेपाल और ब्राजील से करीब 8,53,00,000 रुपए से ज्यादा के आलू का आयात किया था, और इस साल भी सरकार भूटान और साथ ही कुछ और देशों से आलू आयात करने पर विचार कर रही है। किसान तक खाना है तो उगाना 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 है।